नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो पेटरवार के बीच चिनियागड़ा के पास दो मोटरसाइकिल के टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताते चले कि रोहित कुमार तेनुघाट से अपनी मोटरसाइकिल से परीक्षा दिलाकर अपनी बहन के साथ अपने घर वापस जा रहा था कि अचानक खुट्टा बाबा से अपने घर की ओर सुरेंद्र तिस्कू जा रहा था। वहीं चिनियागड़ा के पास दोनों मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों सड़क पर फेंका गए। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर कुंदन राज के द्वारा प्राथमिक उपचार कर रांची रेफर कर दिया गया। डॉक्टर राज ने बताया कि तीनों घायल के माथे में चोट है। ये चिनियागड़ा के पास हुआ है, जिसमें दो बाइक का आपस में आमने सामने से टक्कर हुआ है। उसमें एक बाइक में एक लड़का गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे दो लड़की बैठी हुई थी और एक गाड़ी में दो लड़का बैठा हुआ था। दोनों आपस में टकराया गाड़ी, जो उसके साथ लड़की बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, वो जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो लड़की है उसकी भी सर में चोट है, उनको भी रेफर कर दिया गया है। और वो दोनों जो लड़का था दूसरी बाइक से, वो दोनों का भी सर में चोट है, वो दोनों को भी रेफर कर दिया गया है। इंजेक्शन वगैरह देने के बाद क्योंकि उन्होंने भी हेल्प मिली है और सारे को रेफर कर दिया गया, सारे पेशेंट को एक की मृत्यु हो गई। सर जिनकी मृत्यु, उसका नाम क्या था और जिन जिन को रेफर किया गया उन लोगों का नाम? जिनको रेफर किया बाबूजान मांझी है और सुरेंद्र किस्कू है, जो एक ही गाड़ी में थे। और लड़की का शिल्पा कुमारी है और एक बच्ची का नाम, मृतक का नाम अभी पूछा जा रहा है, उनके गार्जियन आ रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा? एक दूसरे आपस में चिनियागड़ा में, एक इधर से जा रहा था पेटरवार से चिनियागड़ा के धेनुघाट की तरफ, उधर से एक नवाड़ी जा रहा था, उधर से लोग पेटरवार आ रहा था।